ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तराखंड में भी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी मिशन लोकसभा में जुट गई है। इसके लिए दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंथन किया और कांग्रेस हाईकमान उत्तराखंड से ही मिशन लोकसभा को लेकर शंखनाद करने जा रही है। अब प्रदेश में चुनाव यात्रा निकाली जाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस मिशन लोकसभा में जुट गई है। इसके लिए दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंथन किया। कांग्रेस हाईकमान उत्तराखंड से ही मिशन लोकसभा को लेकर शंखनाद करने जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश के नेताओं को यात्रा निकालने का गुरु मंत्र दिया है, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तराखंड में आकर शिरकत करेंगे। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियों योजनाओं की विफलता को जनता के बीच ले जाएगी। उत्तराखंड में सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में कांग्रेस अग्निपथ योजना की खामियों को उत्तराखंड में बड़ा मुद्दा बनाएगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ पार्टी पदयात्रा निकालेगी। पदयात्रा में अंकिता हत्याकांड और महिलाओं के साथ अत्याचार, भर्ती घोटाले, बेरोजगारों से अन्याय जैसे मुद्दों को भी पार्टी प्रमुखता से उठाएगी। रोड मैप अभी हम नहीं कह सकते, बस इतना कह सकता हूँ कि 50 से 60 दिन की यात्रा पदयात्रा पूरे प्रदेश की होगी। आदरणीय राहुल गांधी जी से और वरिष्ठ नेताओं से जब दिल्ली में मुलाकात हुई, उन्होंने चिंता व्यक्त की थी अग्निपथ योजना को लेकर। उनका ये कहना था कि रसा इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इतना बड़ा रूस यूक्रेन को जो एक हफ्ते में काबू में करने की बात करता था, एक साल में भी काबू नहीं कर पाया। और जो स्वरूप इन्होंने अग्निपथ योजना में भारत की सेना का किया है, वही स्वरूप लगभग रसा का है। और इसी वजह से रूस की सेना कामयाब नहीं हो पा रही है। और हमें डर है, राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी सेना को युद्ध के समय में इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। एक चार साल के लिए जिस सैनिक को लाया जाएगा वो अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए कितना तैयार हुआ, ये सोचनी है। और जब वैसे भी जब हम वरिष्ठ फौजियों से बात करते हैं, रिटायर्ड फौजियों से बात करते हैं, वो खुद कहते हैं कि हमको फौजी बनने में लगभग 6 से 7 साल लगे। जब हमारी ट्रेनिंग भी हम फौजी नहीं बन पाए थे, हम खाली टेक्निकली साउंड हुए थे कि गोली कैसे चलानी है, कैसे बचना है, लेकिन एक फौजी का जज्बा अंदर पैदा करने में कम से कम 6 से 7 साल लग जाते हैं असली फौजी होने में। तो ये एक खतरा है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान इत्यादि राज्य ऐसे हैं जिसमें सर्वाधिक लोग फौज में हैं और यहाँ से हर परिवार से लगभग कोई ना कोई व्यक्ति फौज में जाता है। यहाँ की इकोनॉमी को इससे नुकसान हुआ, पलायन इससे बढ़ेगा और देश की सीमाएं भी खतरे में आएंगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आप इसको 50-60 दिन की एक अग्निवीर योजना के विरोध में एक पदयात्रा करें जिसमें नौजवानों की भागीदारी हो, यहाँ के बुजुर्गों की भागीदारी हो, पूर्व सैनिकों की भागीदारी हो और उसमें 10 दिन के लिए राहुल गांधी जी भी प्रतिभाग करेंगे और जहाँ प्रियंका जी की जरूरत होगी वो भी करेंगे। राष्ट्र के अनेकों बड़े नेता जिनसे यहाँ के लोग प्रभावित हैं, उनको भी समय समय पर इस यात्रा में बुलाया जाएगा। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार 2 विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस बड़ी तेजी से जीत के समीकरणों को बुनने की कवायद में जुट गई है। आपको बता दें कि करीब 1 दशक पहले उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन अब बीजेपी काबिज है। वहीं जहां बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचंड जीत का दावा कर रही थी, कांग्रेस को 70 सीटों में से 20 से भी कम सीटों पर संतोष करना पड़ा और कांग्रेस उपचुनाव हारी। और चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने ही पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं पर अनदेखी के आरोप लगाए, जिसके बाद कई दिग्गज पार्टी भी छोड़कर चले गए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के बाद एक बार फिर कांग्रेस सक्रिय होकर पदयात्रा के जरिए लोगों के दिलों में उतरना चाह रही है। पूरे मामले में बीजेपी का कहना है कि वो पार्टी बचा रहे हैं और हम देश, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को इसका भी जवाब दिया है। वो कांग्रेस को बचाने की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के नागरिकों को बचाने की बात कर रहे हैं। इतनी अच्छी चीज होती है, ठीक है, और जो भी कोई राष्ट्र हित की चीज होती है उसका विरोध करना अब कांग्रेस ने अपनी आदत बना ली है। बिना पढ़े लिखे, बिना समझे विषयों को सिर्फ अपोज करने के लिए, और खासकर उन मुद्दों पर जो मुद्दे राष्ट्र हित से जुड़े हैं वो करती है। उसी प्रक्रिया में ये एक और स्टेप है, क्योंकि उनको पता है कि उत्तराखंड में ज्यादा
सैन्य क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादा रिक्रूटमेंट होता है, वो यहाँ पर अब ये पदयात्रा और इस तरह के करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है, क्योंकि उनके पास बाकी तो सरकार के अगेंस्ट कोई खास मुद्दे हैं नहीं, तो चलिए इसी को मुद्दा बनाते हैं। कांग्रेस का वजूद है, कांग्रेस का वजूद किसी के माइकल लाल नहीं खत्म कर सकता, वो रहेगा, हमेशा रहा है, अपना इतिहास है इसका, अंग्रेजों के साथ लड़ाई में कुर्बानी बलिदान का इतिहास है, कोई मजाक नहीं। हमारे दो दो प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी है देश की एकता अखंडता के लिए, देश की मजबूती के लिए, सार्वभौमिकता के लिए। तो बीजेपी क्या बोल रही है इस मामले में? अगर राहुल गांधी यात्रा कर रहे इसमें तुम्हें परेशानी हो रही, तुम किस तरह से, तुम राहुल गांधी का भूत इतनी तेज दिमाग पे इनका बैठा हर काम में कर रहे, तो ठीक है, संगठन मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ के बीजेपी भले ही कुछ कह रही हो, लेकिन अग्निवीर योजनाओं की खामियों का नाम सुनते ही बीजेपी नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल और शौर्य डोभाल ने संयुक्त पीसी करके अग्निवीर योजना की अच्छाइयों को बताया। मतलब साफ है कि भले ही बीजेपी अपनी जुबान पर ना लाए, लेकिन कांग्रेस के इस पैतरे से बीजेपी प्रभावित जरूर है, वरना बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे और बीजेपी नेता शौर्य डोभाल को साथ लेकर पीसी न करते। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की इस पदयात्रा से नेता जनता के दिल में कितनी जगह बना पाते हैं, और राहुल और प्रियंका के आगमन से उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए क्या समीकरण बदलते हैं। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। हमारे साथ हीरा सिंह बिष्ट, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, संजीव वर्मा बीजेपी नेता, और गणेश पाठक वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले बिष्ट साहब आपके पास आऊँगा। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस उत्तराखंड में ये बड़ी यात्रा निकालने जा रही है अग्निवीर मुद्दे को लेकर, और कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट क्योंकि एक बड़ा उत्तराखंड का इलाका है और सेना में भी एक कुमाऊं और गढ़वाल जो रेजिमेंट है वो बड़ी जगह रखता है, लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्योंकि उत्तराखंड से बड़ी संख्या में युवा सेना में जाते हैं, और ऐसे में ये यात्रा कितना प्रभाव डाल पाएगी उन युवाओं के जहन पर जिनको आप अग्निवीर के बारे में अपनी ओर से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं? आवाज मिल रही है बिष्ट साहब आपको मेरी? जी मिल रही है। जी जी बोलिए। आप राजीव गांधी ने यात्रा का प्रोग्राम उत्तराखंड का दिया है कांग्रेस कमेटी को, और चूंकि राहुल गांधी जी ने, जी राहुल गांधी जी ने, आप चूंकि इसको बीजेपी को क्या परेशानी इसमें हो रही, ये तो पार्टियां कार्यक्रम संगठन मजबूत करने में जो बीजेपी का फेलियर है, जो समस्याएं हैं, आपदा की समस्या है, भर्ती प्रकरण है, लोकायुक्त न बनाना हुआ, कर्मचारी को रेगुलर वो पुरानी पेंशन बहाल करने के मामले हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं। 600 करोड़ का घपला रिक्रूटमेंट भर्ती प्रकरण का निकला, वहां से 1000 करोड़ का सोना गायब हो गया, इसलिए परेशान है। इन्होंने किया तो कुछ नहीं, ये आप एक खासियत स्थिति है, आप मेरी सड़क पे आ जाओ, आजकल बरसात में तारकोल डाल के बजरी के वो लगा रहे, चल कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, बता घोर बरसात में तारकोल से बजरी पकड़ेगी क्या? ठीक है, संजीव वर्मा जी, कार्यक्रम कांग्रेस का लेकिन परेशानी बीजेपी को क्यों, ये सवाल पूछ रहे हैं बिष्ट साहब। आशीष जी देखिए, कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस जो भी करती है उससे भारतीय जनता पार्टी को ना तो कोई परेशानी होती है और ना ही भारतीय जनता पार्टी इसको कभी भी सीरियसली लेती है, ना और ना ही जनता कांग्रेस को और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को सीरियसली लेती है। जिस प्रकार से 2022 का चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज से आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि इनके पास कोई रोड मैप नहीं, कोई विकास का मुद्दा नहीं था, ये कोई ऐसी बात लेकर जनता के बीच जाने की स्थिति में नहीं थे कि हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हमारे पास विजन क्या है उत्तराखंड के विकास का। क्योंकि आप यदि इनके विगत का भी इतिहास देखें तो दो बार इनको भी डबल इंजन की सरकार मिली,
2004 से लेकर 2007 तक 3 साल और 2012 से लेकर 2014 तक 2 साल, यानी कि 5 साल कांग्रेस के पास भी डबल इंजन के माध्यम काम करने का बहुत अच्छा मौका था। तो इन्होंने किया क्या? शून्य। और हमारे पास जो डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो लगातार उत्तराखंड विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, जहाँ ऑल वेदर रोड का काम हम 90% के आसपास कंप्लीट कर चुके हैं, कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम हमारा 70% कंप्लीट हो है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे जो दिसंबर तक हम जनता को समर्पित करने की दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एंड तमाम एनएच की तमाम टनल्स, तमाम फ्लाईओवर, तमाम विकास की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना है, 1.5 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजना है इस समय उत्तराखंड में गतिमान है। ये डबल इंजन की सरकार के माध्यम से सब काम हो रहा है। टेहरी का डोबरा चांदीपुर जो विगत 14 वर्षों से लंबित पड़ा था उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया, टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया, और एक ऐसे समय पर जब पूरा उत्तर भारत घोर आपदा की चपेट में है, और अगर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता यदि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के अंदर बची होती तो ये कांग्रेस शासित प्रदेश जो अभी कुछ ही समय पहले के हाथों में गया है, इनको सबसे पहले वहां का दौरा करना चाहिए था। वहां पर इतने लोग मारे गए हैं, इतने लोग अपना घर द्वार व्यापार पूरी तरह से जिनका पूरी तरह से नष्ट हो गया है, और एक ऐसी भयावह स्थिति पूरे हिमाचल में है, उसके ऊपर इन लोगों ने एक शब्द भी अभी तक नहीं बोला, वहां के प्रति एक भी संवेदनशीलता की बात आज तक इनके मुख से नहीं निकली। तो मैं सोचता हूँ ये केवल और केवल राजनीति करते हैं, और राजनीति करने के लिए ही उत्तराखंड में आ रहे हैं, और एक तरह से डिजास्टर टूरिज्म पर पूरी कांग्रेस इस समय निकली है। और उत्तराखंड के जो बड़े नेता हैं, चाहे उनमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री महाराज जी हो, चाहे इनके अन्य वरिष्ठ नेता, जो इस समय आपदा की इस घड़ी में दिल्ली में 5 सितारा होटलों में बैठकर गपशप कर रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं, और वहां पर इस तरह की एक तरह से स्टेट को डिसेबल और मतलब यहाँ के लिए नकारात्मक सोच को एक डेवलप करने का ये लोग काम कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का चाहे आप संगठन की बात करें तो मध्य प्रदेश, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। गणेश पाठक जी, कांग्रेस ये जो यात्रा निकालने जा रही है, स्वाभाविक है, चाहे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष से लेके हमारे बूथ अध्यक्ष तक, और चाहे ठीक है, मैं आऊंगा वर्मा जी आपके पास, रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। गणेश पाठक जी, लेके आवाज मिल रही है आपको मेरी? हम सभी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। गणेश जी, कांग्रेस यात्रा निकालने जा रही है, जब भी कोई राजनीतिक दल इस तरह की कोई यात्रा निकालती है तो स्वाभाविक है कि उस राजनीतिक दल का सीधा सीधा लक्ष्य चुनाव से जुड़ा हुआ होता है। 2024 का चुनाव सामने है और कांग्रेस चाहती है कि उत्तराखंड की सभी सीटों को कैसे जीता जाए, हर हाल में कांग्रेस ये सुनिश्चित करना चाहती है। यही वजह है कि उत्तराखंड जैसे राज्य को भी राहुल गांधी ने 8 से 10 दिन का कार्यक्रम लगभग दे दिया है, और 60 दिन की यात्रा कांग्रेस की ओर से पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। ना सिर्फ अग्निवीर बल्कि जो दूसरे बड़े मुद्दे हैं, चाहे अग्निवीर का अलावा हम अंकिता हत्याकांड की बात कर लें या प्रदेश में अतिक्रमण के मुद्दों की बात कर लें, उन तमाम मुद्दों को इस यात्रा के दौरान उठाया जाएगा। मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि इस यात्रा का उत्तराखंड की राजनीति में और 2024 के चुनावों में कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देगा?
ये इशू जो जिस मुद्दे को लेके कांग्रेस ने पदयात्रा निकालने का एक कार्यक्रम अपना फाइनल किया कर रही है कांग्रेस, वो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि उत्तराखंड जो फौज है, जो सेना है, उसमें उत्तराखंड का शेयर बहुत ज्यादा है। और अग्निवीर जो इशू है, ये आम मतलब नौजवान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक गांव के युवक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो जिस युवक ने फौज में जाके सेना में अपना काम करने और देश की रक्षा के लिए जिसने काम करने का तो बिल्कुल एक सपना लेके चल रहा था, अग्निवीर ने उस सपने को तोड़ा है। तो ये इशू तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल इस बात का है, उसके अलावा भी जो अन्य इशू कांग्रेस ने लिए हैं, वो इशू है, वो जो इशू अच्छा वार कर सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बैकफुट, बीजेपी को बैकफुट पर रखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो इनका यात्रा का रहेगा, उस यात्रा में क्या कांग्रेस एकजुट दिखेगी या नहीं दिखेगी, क्योंकि अभी भी कांग्रेस से जो बड़े खतरब है, वो उन छात्रों में एकजुटता की दिख रही है। अगर कांग्रेस एकजुट होकर चलती है और इन इशू के साथ लोगों को जोड़ती है, युवकों को जोड़ती है, पूर्व सैनिकों को जोड़ती है और महिलाओं को जोड़ती है, तो ये 2024 में लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा प्रभावी हो सकता है। ठीक है विश्व साहब, आपके पास आऊंगा। अभी गणेश जी जो बात कह रहे थे कि कांग्रेस यात्रा निकालने जा रही है, अच्छी बात है, कांग्रेस को राजनीतिक रूप से हो सकता है इस यात्रा का लाभ भी मिल जाए, लेकिन कांग्रेस के लिए इस यात्रा के अलावा एक होकर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उत्तराखंड में, वो अलग अलग राहों पर चलते हुए दिखाई देते हैं, और जब तक ये राहें एक नहीं होंगी, तब तक शायद ये जो जीत का रास्ता है वो तय करना मुश्किल रहेगा। नहीं, कांग्रेस एक है ये कहना तो गलत है। हमारे यहाँ थोड़ा डेमोक्रेसी ज्यादा है, हर एक व्यक्ति अपनी बात कह देता है, संगठन के हित में बोलता है। इनके यहाँ आरएसएस का डंडा उनकी मर्जी के बिना ही चीखते भी नहीं, खांसते भी नहीं, तो ऐसा नहीं है। हम सब एक है, जो लीडरशिप का हुक्म होगा, आदेश होता है, जो प्रदेश अध्यक्ष को मिलता है, सब उसका अनुपालन करते हैं, वो विरोध नहीं करता। अपनी बात हम लोग कह देते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस में बड़ी भारी फूट है या लीडरशिप है। हमारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर हमारे पास हैं, कांग्रेस के प्रति लोगों की आस्था है। यही तो समस्या है, बिष्ट साहब, बिष्ट साहब, बता दूं ना, बिष्ट साहब, सवाल सुन लीजिए। आप खुद एक वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, और आप खुद मानते हैं कि कांग्रेस के पास अच्छे अच्छे नेता हैं, और ये सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है। आप पंजाब की बात ले लीजिए, राजस्थान की बात ले लीजिए, मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात ले लीजिए, पूरे देश के अनेकों राज्यों में कांग्रेस के पास बहुत अच्छे अच्छे नेता थे, लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या तो यही पेश आई ना कि कांग्रेस उन अच्छे नेताओं को संभाल कर नहीं रख सकी, रोक कर नहीं रख सकी, और उनमें तालमेल तो बिल्कुल ही नहीं स्थापित कर सकी। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का आप उदाहरण ले लीजिए, राजस्थान में सचिन पायलट का ले लीजिए, हरियाणा में जो तस्वीर चल रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है, हिमाचल में जो हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, और उत्तराखंड की भी सियासी तस्वीर किसी से छिपी हुई नहीं है। सवाल तो यही है ना, मसला तो यही है कि नेता अच्छे हैं, नेता वरिष्ठ हैं। डेमोक्रेसी होना भी अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सभी को अधिकार होना चाहिए, चाहे उसमें कोई वरिष्ठ हो, चाहे उसमें कोई छोटा कार्यकर्ता हो। लेकिन ये तालमेल की जब कमी हो जाती है, अलग अलग राहें शुरू हो जाती हैं, तब दिक्कत आती है। आप एक 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 बात को जरा गंभीरता से देखें जी, ये उत्तराखंड से शुरू किया बीजेपी, इस बात से क्यों नहीं कहते खरीद शो, बहुमत की सरकार को गिराना, चुने प्रतिनिधियों को खरीदना, यहाँ हुआ मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में हुआ, बीजेपी ये इस बात से क्यों नहीं कहते जो प्रजातंत्र का गला घोट रहे, अरे जो जीती सरकार है बीजेपी आ जाओ, हमारे यहाँ बैठे तुम मंत्री बना दे, तुम मुख्यमंत्री बना देंगे, ये सिलसिला बीजेपी ने शुरू कर रखा। जो योग्यता से जीता है, तो डेमोक्रेसी की हत्या तो ये लोग कर रहे हैं, संविधान का गला घोट रहे बीजेपी के लोग। आज मिजोरम जल रहा है, मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, प्रधानमंत्री के मुंह से, बाहर विदेशों में जाकर 10 लोग इकट्ठा करके नारे लगवा रहे, आज पूरे यूरोप में मिजोरम को लेकर हिंदुस्तान की हिस्सा लेकर हो रही है,
क्या कांग्रेस से, पूरा यूरोप आलोचना कर रहा है, जाति विशेष के लोगों को मारा जा रहा और प्रधानमंत्री मौन है। ये देश का ये संदेश पूरे भारत का बाहर विदेशों में दे रहे, क्यों यूरोप कंट्री इकट्ठे हो रहे, इनको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। इतना बड़ा हादसा कभी नहीं, ऐसी बातें कभी नहीं कि विदेशी लोग इस तरह इकट्ठे होकर आलोचना करें हिंदुस्तान की सरकार की। और मोदी जी को तो टाइम नहीं है, चुनाव में भी जिले विदेशी दौरे पर रहे, क्रीम पाउडर लगा के घूम रहे, वहां जिंदाबाद करवा रहे, देश मरते रहे, लोग भूखे मरते रहो। ये मैं समझ नहीं पाता कि सरकार क्या नीति है, क्या दे रहे रोजगार के, पुराने पेंशन क्यों नहीं दे रहे भाई, जगह जगह डिमांड होती। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।